हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 का हिंदी ग्रामर नमूना प्रश्न पत्र हिंदी पाठ्यक्रम क्लास 9 इसका जो व्यावहारिक व्याकरण है इसको हम कराएंगे। बच्चों, क्लास 9 में ग्रामर का 4 चैप्टर है, उपसर्ग प्रत्यय, समास, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और अलंकार। तो ये जो व्यावहारिक व्याकरण है इसमें 4 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, तो चलिए हम आपको इसका सॉल्व करना सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संवेदना शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें सम, शं, श और सम, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा सम। बच्चों देखिए, जहाँ पर भी बिंदु रहेगा, जैसे स में बिंदु अनुस्वार है, वो बिंदु म का रूप ले लेता है, म में हलंत, तो हो जाएगा सम। यहाँ पर भी देखिए सम है, लेकिन ये नहीं होगा, जहाँ पर हलंत है वो आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अत्यंत, अति जोड़ अंत, तो अति हो गया उपसर्ग और मूल शब्द हो गया अंत, इसलिए यहाँ पर का नंबर ऑप्शन सही होगा अति। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर में उपहार शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द, उप जोड़ हार, उप हो गया उपसर्ग और मूल शब्द हार, क्योंकि बच्चों उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर में सनसनाहट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, ख नंबर ऑप्शन सही होगा सनसन जोड़ आहट, सनसनाहट। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर में परीक्षक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, तो यहाँ घ नंबर सही होगा परिजोड़ अक्षक, परीक्षक। नेक्स्ट देखिए, कमल नयन समस्त पद का सही विग्रह, ग नंबर ऑप्शन सही होगा कमल के समान नयन है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में समय के अनुसार चलोगे तभी सफल हो पाओगे, समय के अनुसार हो जाएगा, ख नंबर ऑप्शन सही होगा यथा समय। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर में ऐसे डैश जिन्हें जीता ना जा सके, पर्वतों पर भी मनुष्य ने विजय पा ली है, तो जिन्हें जीता ना जा सके होगा अजय, ग नंबर ऑप्शन सही होगा अजय। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर में यू क्षेत्र समस्त पद के विग्रह और समास का नाम बताइए, युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, तत्पुरुष समास, तो बच्चों तत्पुरुष समास का ट्रिक क्या है, जहाँ पर भी आपको कारक का विभक्ति चिन्ह नज़र आएगा वहाँ ही होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर में प्रतिदिन समस्त पद के विग्रह और समास का नाम, का नंबर ऑप्शन सही होगा दिन दिन, दिन दिन, प्रतिदिन, अव्ययीभाव समास। 5 नंबर में देखिए, यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय और समास ये दोनों चैप्टर को कवर किया, अब देखिए यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ दिया है। फर्स्ट नंबर, तुम क्या पढ़ रहे हो, और यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह है, तो जहाँ पर भी बच्चों आपको प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क मिलेगा वहाँ आपको करने होगा प्रश्नवाचक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर में उसने भोजन नहीं किया, यहाँ पर नहीं का प्रयोग, जहाँ पर भी नहीं और मत का प्रयोग होगा वहाँ निषेधवाचक वाक्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर में अरे रात भूचाल आया था, तो बच्चों जहाँ पर भी ये चिन्ह रहेगा विस्मयादि बोधक का, वहाँ पर विस्मयादि वाचक वाक्य होगा, इसलिए का नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर में तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है, वाक्य में विस्मयादि बोधक वाक्य इसको बनाना है, तो यहाँ पर खा नंबर ऑप्शन सही होगा, वाह तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है। नेक्स्ट देखिए, सुरेश ने पत्र लिखा, वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य, क्या
क्या सुरेश ने पत्र लिखा? नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक अर्थ के आधार पर बाकी के भेद का प्रश्न था, अब आएगा अलंकार। तो देखिए, फर्स्ट नंबर, आए महंत बसंत पंक्ति में कौन सा अलंकार नहीं है? तो यहाँ पर ग नंबर ऑप्शन सही होगा, अनुप्रास। बच्चों यहाँ पर ये उपमा भी है, रूपक भी है और मानवीकरण भी है, वो अनुप्रास नहीं है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों का आवृत्ति होता है, यानी एक ही अक्षर बार बार आता है, और यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। टू नंबर देखिए, सब प्राणियों के मत मनु मयूर आहा ना नचा रहा पंक्ति में कौन सा अलंकार नहीं है? यहाँ पर भी ग नंबर ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार नहीं है, बाकी रूपक मानवीकरण शेष तीनों हैं, लेकिन यहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्णों का आवृत्ति नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए, उपमा का अर्थ, उपमा का अर्थ होता है समानता, ख नंबर ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार नंबर में, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो बच्चों आपको पहले ही हम बता दिए कि जो अनुप्रास अलंकार होता है उसमें एक ही वर्ण बार बार रिपीट किया जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि वो अनुप्रास अलंकार है। जैसे देखिए यहाँ पर ख नंबर उदाहरण देखिए, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यहाँ पर देखिए, चारु में च, चंद्र में च, चंचल में च, यानी च च जो वर्ण है, अक्षर है, इसका बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए यही होगा अनुप्रास अलंकार। अब लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो उपमान अलंकार में क्या होता है? उपमा और उपमेय, उपमान और उपमेय को देखा जाता है। सबसे आसान ट्रिक क्या है उपमा अलंकार पहचानने का, जिसमें ये डैश देके सा से और सी रहेगा, ये डैश देके सा से सी रहेगा, वहाँ आप समझ लेना कि वहाँ उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पर ख नंबर ऑप्शन देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राखा की थी ढेरी। तो यहाँ पर देखिए हाइपेन देके सी दिया हुआ है, इसलिए ये उपमा अलंकार है। क्लियर? तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाई आप सभी बच्चों को समझ में आता है, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाई आप सभी बच्चों को कैसे लगता है। और अगर आपने पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।